अगर इस रत्न का रंग बदलकर काला हो गया, क्या मतलब अगर ये रत्न का रंग काला हो गया तो क्या होगा? तो आपके मन में आपकी पत्नी के लिए प्यार नहीं, आपके मन में कोई और बसा हुआ है और आप किसी और से प्यार करते हैं। अरे ऐसा थोड़ी होता है, मैं नहीं मानता, ये सब झूठ है। जेठा जी, इंसान झूठ बोल सकते हैं, लेकिन मेरे रत्न कभी झूठ नहीं बोलते हैं। कैसी बातें कर रही आप अंजलि, ये सब क्या है भाई? आप लोग हमारी क्या परीक्षा लेना चाहते हैं? आप पूछ क्या रहे हैं? ये तो सरासर परीक्षा ही है ना मेहता साहब। आदमी, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। रोशन डार्लिंग, तुम मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच सकती है यार? बबीता, तुम मेरे प्यार का टेस्ट लेना चाहता है? मेरे कोमल, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तो फिर किससे थी? मेरे कहने का मतलब है कि तुम ऐसा कर सकती हो, कभी मैंने सोचा नहीं था। पर दया, तू भी इस चिपावली, मेरा मतलब है रत्नावली जी के बात में आ गई। हाँ, मजाक में आने लगा। हम लोग हमें पर होता है यार। बराबर नहीं है क्या? बहुत गलत है। एक मिनट, आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज। आप लोग गलत समझ रहे हैं। कुछ गलत नहीं समझ रहे रत्नावली जी, बिल्कुल सही समझ रहे। अरे हम जैसे सीधे साधे भोले भाले पतियों की ये तो परीक्षा ही है ना, सरासर परीक्षा है। एक शिक्षक की परीक्षा ली जा रही। देखो कलयुग। देखिए, मैं आप लोगों की पत्नियों को भी बता चुकी हूँ, इसे परीक्षा ना समझे। तो क्या समझे? ये रत्न हमेशा पति पत्नी के रिश्ते में पारदर्शिता लाता है। पॉजिटिवली। और अगर मन में खोट ना हो तो प्यार और बढ़ता है। हाँ हाँ तारक, देखिए हमने तो सिर्फ इसी नजरिए से आप सबको ये लॉकेट पहनाया है कि जब ये रत्न हमारे प्यार की गवाही देगा तो हम सबको कितनी खुशी होगी। अच्छा, मतलब रत्न प्रेम की गवाही देगा, एक निर्जीव चीज पे भरोसा है, हम जीते जाते इंसान कह रहे हैं उसमें कोई भरोसा नहीं। देखो, बोलो। नहीं नहीं है, काहे कि इससे पति पत्नी का जो रिश्ता है वो और गहरा होता है। मुड़ूर इससे? हाँ। आश्चर्य, रोशन मारो घेलो, जैसे कि रत्नावली ने बताया कि इससे वर बहरा का प्यार और बढ़ता है। फिर भी तुझे प्रॉब्लम है तो बता दे। हंस, इसके पीछे हमारा इरादा नेक ही है। कोमल, तुम समझने की कोशिश करो। टप्पू के पापा, इसमें परीक्षा जैसा कुछ नहीं है। अच्छा, इसमें परीक्षा जैसा कुछ नहीं है तो क्या है? बता रही हूँ, वो रत्नावली बहन। अब जरा चलिए, ठीक है, मान लीजिए कि ये परीक्षा है। ले बोल जो हमें। लेकिन आप लोग अपनी पत्नियों से प्यार तो करते हैं ना? अरे ये कोई सवाल है? ये कैसा सवाल है? ओके, तो फिर दे दीजिए परीक्षा, डरते क्यों हैं? मैं डरता कौन है? अरे डरने का सवाल नहीं है, लेकिन क्यों दे? हम परीक्षा क्यों दे? सही बात है। हाँ, हम डरने वालों में से नहीं है। वो ऐसे एक या 100 रत्न भी आ जाए तो ये रोशन सिंह अरिजीत सिंह थोड़ी डरने वालों में से नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बस तो फिर दे दीजिए परीक्षा। बोलो बोलो। ठीक है। अरे एक मिनट यार भाई, क्या ठीक है? रत्नावली जी, आप मुझे एक बात बताइए, आपके पास क्या प्रूफ है कि आपके जो रत्न है वो मन के भाव के हिसाब से रंग बदलते हैं? मुझे पता था कि ये सवाल जरूर आएगा। देखिए, ये एक साइंस है। साइंस? और अगर आप लोग चाहें तो मैं इसकी पूरी थ्योरी आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज आइए। मन के भाव से शरीर की एनर्जी बदलती है और उस एनर्जी को भाप कर ये रत्न अपना रंग बदलते हैं। मेरा सालों का एक्सपीरियंस रहा और मैंने हजारों लोगों पर आजमा चुकी हूँ। मेरे रत्न हमेशा एक्यूरेट साबित होते हैं, हमेशा ये सही बात बताते हैं।
अच्छा? मुझे लगता है कि आप लोग अपनी पत्नी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो आप सब लोग रेडी हैं? हाँ, ठीक है। और रोशन डालने के लिए कुछ भी, नरक को भी कोई इश्यू नहीं है। चलो फिर कर लेते हैं लव टेस्ट। ओह थैंक गॉड। ये सब बोल रहे हैं कि कर लेते हैं, तो क्या बोलते हो जेठा? अरे नाटा साहब, आप भी कहीं सबके बातों में आ गए। एक मिनट देखिए दोस्तों, सबसे पहले मुझे तो ये बिल्कुल झूठ लग रहा है। चलो मान लेते हैं 1% भी इसमें कुछ सच्चाई है, फिर भी हम ये सब क्यों करें? आपको इस लव टेस्ट से इतनी परेशानी क्यों है जेठा जी? अरे परेशानी का सवाल नहीं है रत्नावली जी। देखिए परेशानी की बात नहीं है, आप जैसे लव टेस्ट करते हैं ना, वैसे मेरी एक दुकान है गड़े इलेक्ट्रॉनिक्स, वहाँ पे हम लोग मोबाइल टेस्ट करते हैं। तो जिनके मोबाइल ठीक होते हैं वो हमारे पास नहीं आते टेस्टिंग के लिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना यह चाहता हूँ कि जो चीज अच्छी भली चल रही हो उसका टेस्टिंग करने की कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं नहीं सही, ये जेठालाल के पॉइंट पे दम है भाई। He has a point, हाँ? अरे भाई जब हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं तो डॉक्टर के पास थोड़ी जाते हैं कि जरा ब्लड टेस्ट कर लो भाई, ऐसा थोड़ी होता है। यही बात है भाई, लोग अगर फिट रहेंगे तो फिर मेरे पास क्यों आएंगे? हेलो, वो करेक्ट है जी, वो जब गड्डी खराब होती है तभी लोग मेरे गैराज पे आते हैं उसको ठीक कराने के लिए। वो गड्डी ठीक रहती है तो थोड़ी ना बोलते हैं इसको जरा चेक कर दीजिए। उसी तरह विद्यार्थी अगर पढ़ाई में कमजोर होता है तो ही वो एक्स्ट्रा ट्यूशन लेता है, अदरवाइज नहीं लेता। अय्यर भाई का कुछ नहीं है, अय्यर भाई आप करा लो। क्या करा लो? है क्या सैलून में दाढ़ी करवाने के लिए आया है? जो हमको नहीं कराना आप करवा लो। नहीं आप तो पहले ही तैयार थे ना, ठीक है बोल रहे थे ना, इसलिए मैंने बोला भाई। आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना टेस्ट कराने में, इसलिए आप करा लो ऐसा बोल रहा हूँ। नहीं सब लोग एकदम ठीक बोल रहे हैं, ब्लड टेस्ट कराने का कोई जरूरत नहीं है। हाँ हमारा परिणित जीवन जब भी फर्स्ट क्लास चल रहा है फिर ये सब जरूरत ही नहीं है ना टेस्टिंग करने की। भाई जेठा भाई की बात बिल्कुल सही है। अरे तो जब जिस चीज की जरूरत ही नहीं तो वो क्यों करें? नहीं करेंगे। नहीं लेकिन यार भाई भले करा लेते क्या है, रत्नावली जी ने इतनी मेहनत की है तो उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि भाई उनकी मेहनत पकड़ गई। और हमको भी पता चल जाएगा इनका ये जो यंत्र है वो ठीक चल रहा है नहीं, हाँ वही जो भी है वो ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है। और वैसे भी अय्यर भाई को तो आदत है ना रॉकेट टेस्टिंग करते है, इस बार ये लॉकेट टेस्टिंग कर लेंगे। I am a scientist, not a guinea pig. अरे हाँ हाँ बोल रहे, चलो करा लो करा लो। अरे क्या करा लो, ऐसा तो तुम करा लो। अरे भाई मेरा परिणित जीवन एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो मेरा कौन सा थर्ड क्लास चल रहा है, मेरा भी फर्स्ट क्लास ही चल रहा है, मेरे को कोई टेस्ट वेस्ट नहीं कराना। पक्का? पक्का मतलब एकदम कन्फर्म। ठीक है तो भिड़े भाई ऐलान कर दे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुल लव सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आज के इस क्लब हाउस की मीटिंग में यह ऐलान करता हूँ कि हम पुरुष मंडली लव टेस्ट नहीं करने वाले। वैसे लेडीज आप लोग तो बोल रहे थे कि गोकुल धाम के पुरुष बड़े ही मौजीले जिंदा दिल हैं। लेकिन ये तो एक छोटे से लव टेस्ट से डर गए। ओके देन बबीता, अगर इन्हें इंटरेस्ट नहीं है तो मैं चलती हूँ। नहीं नहीं रत्ना एक मिनट रुको, रत्ना तुम जाना नहीं कहीं पे। जेठा जी कम ऑन डोंट बी स्पॉइल स्पोर्ट, एक बार ये आजमाने में क्या जाता है। बराबर है आपकी बात, लेकिन आजमाने का कोई कारण नहीं है ना बबीता जी, कोई कारण हो तो आजमाए। कम ऑन जेठा जी, हम सब लोग नई नई चीजें आजमाती है ना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पुराना मोबाइल हुआ करता था, पर जैसे ही स्मार्टफोन आया हमने उसे आजमाया ना। पुराने मोबाइल से तो काम चल ही रहा था ना, पर स्टिल आज हम सबके पास नए टेक्नोलॉजी वाला स्मार्टफोन है। देखिए
पहले हम लोग जब बीमार पड़ते थे तभी हम लोग हॉस्पिटल में जाके टेस्ट करवाते थे, राइट? पर अब हम लोग हमारी तसल्ली के लिए पहले से फुल बॉडी चेकअप करवाते हैं ना, उसी तरह से हम सबको पता है कि हमारी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है। पर फिर भी एक बार तसल्ली करने में क्या जाता है? देखिए, मैं तो सिर्फ अपना पक्ष रख रहा था, बाकी किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है। अय्यर भाई करा लो। क्या कर लो? कर लेते हैं, ऐसा बोलो। मतलब वही 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 कह रहा हूँ, मतलब करा लेते हैं। क्या कह रहे हैं मतलब सब? क्या कहूँ जेठालाल, अगर सब करवा रहे हैं तो मैं भी करवा लेता हूँ। यार ठीक है, फिर अभी आगे कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। रत्नावली जी, आप लव टेस्ट शुरू करो। लोकर माइंड चेंज होने से पहले ही शुरू करो। ओ लाला, दैट्स द स्पिरिट। तो आप सब लोग बैठ जाइए। हेलो, करो शुरू। आइए बैठो। तो सबसे पहले मुझे मैं आ रहा लव टेस्ट कराने के लिए। नहीं, सबसे पहले आप नहीं, सबसे पहले आएंगे मेरी फ्रेंड के हस्बैंड अय्यर जी। गुड। मैं तो बोल रहा था। अय्यर जी प्लीज आइए। ऑल द बेस्ट। बबीता तुम भी आओ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर पत्नी अपने पति के रत्न का रंग बदलते देखे। ओके, ऑल द बेस्ट। अपना लॉकेट निकाल कर मुझे दीजिए। लीजिए। डार्लिंग रत्न, जो छुपा है उसे दिखा दे, इनके मन में क्या है ये बता। भाभी, रत्नावली ने तो कहा था कि काला हो जाएगा। लालो कहीं मीनिंग होते ना। ओ लाला, ये उलाला चढ़िए और ये लाल रंग का क्या मतलब है वो बोलिए। क्यों मतलब? हाँ रत्नावली, लाल का क्या मतलब हुआ? लाल का मतलब है कि आपका प्यार बहुत पक्का है। बात है, ये किसी भाषा, किसी प्रांत, किसी कल्चर, किसी सीमा को नहीं मानता है। Yeah. सबसे परे और सबसे ताकतवर। कांग्रेचुलेशंस बबीता। क्या बात है? कांग्रेचुलेशंस बबीता जी। शेर। So exciting. Yes, yes, yes. I'm the best lover in the world. Yeah. ऐसे खुश हो जैसे बोर्ड की एग्जाम पास की हो। कांग्रेचुलेशंस बबीता, तुम्हारे हस्बैंड तुमसे बहुत प्यार करते हैं और किसी और का ख्याल इनके मन में बिल्कुल भी नहीं। अरे नान उन्नर कहा दर करे। कोई दूसरा है? अय्यर भाई खुद बोल रहे। जेठालाल, नान उन्नर कहा दर करे मतलब मैं बबीता को बहुत प्यार करता हूँ। I love you too, अय्यर। अय्यर जी, मेरे रत्न के रंग बदलने का एनालिसिस ठीक तो है ना? आपके रत्न के रंग बदलने का एनालिसिस एकदम एक्यूरेट है। ओ यारो, ओ ये तो बहुत मजेदार है, हम तो ऐसे ही डर रहे थे। अरे सोडी, इतना ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है, अभी तो मजा आ रहा है, लेकिन एक बार अगर उस रत्न का रंग काला हो गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सब सब बोलो भाई, सब सब बोलो।
थैंक यू सो मच। हाँ तो अब एक मिनट देखिए रत्नावली जी, देखिए मैं तो पहले ही कह रहा था कि हम गोकुलधाम का जो पति है सब सीधे साधे, इनके रत्न का रंग काला होने का कोई चांस ही नहीं है। आपको एक सैंपल भी मिल गया तो अभी ये टेस्टिंग अगर बंद करना हो तो कर सकते हैं। हाँ कर दीजिए। कम ऑन जेठा जी, फिर से नहीं, नॉट अगेन प्लीज। चुपकी पापा हमें देखना है, ऐसा क्या करते हैं? अरे मैं तो सिर्फ एक सुझाव दे रहा था, सबका टाइम बचा इसलिए, और कुछ नहीं। बाकी चालू रखना है रख सकता है, मुझे कुछ नहीं है। हाँ चालू रखो। तो डॉक्टर हाथी अब आपकी बारी, प्लीज आइए। कोमल भाभी प्लीज आप। लाइए डॉक्टर हाथी, अपना लॉकेट मुझे दीजिए। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट डॉक्टर हाथी। थैंक यू। डार्लिंग रत्न, जो छुपा है उसे दिखा दे, दिखा दे। इनके मन में क्या है ये बता दे। लाला मुबारक हो डॉक्टर हाथी, आप भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। लेकिन ये नीला कैसे हो गया? इसका क्या मतलब है? हाँ, इस रत्न का नीला होने का मतलब है कि डॉक्टर हाथी का दिल आसमान की तरह बड़ा है और इनके दिल में आसमान की तरह असीम प्यार भरा हुआ है। थैंक यू सो मच। ओह हाउ स्वीट, क्या बात है। Thank you, my honey. I love you too, Komal. अरे so sweet. तो डॉक्टर हाथी, आपका डायग्नोसिस क्या बोलता है? मेरे रत्नों का विश्लेषण सही है या नहीं? Perfect, बिल्कुल perfect. Yes, absolutely perfect. Thank you so much. डॉक्टर साहब आप तो पास हो गए एग्जाम में। अब बचे हम चार, आप भी पास हो जाओगे। तो चलिए अब हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। मेहता जी अब आपकी बारी। गोकुलधाम में जोरों शोरों से चल रहा है लव का टेस्ट और अब आ गई है मेरी बारी। मेरी बारी क्या होगा? भगवान, अगर गलती से भी ये रत्न काला हो गया तो सोसाइटी में सबके सामने मुंह काला हो जाएगा और अंजलि भी क्या हाल करेगी। हे भगवान, ये रत्न काला नहीं होना चाहिए। हे भगवान बचा लेना, क्या होने वाला है भगवान ही जानता है, वक्त जानता है। ईश्वर करे कि काला ना हो, लेकिन मेरे बाद मेरे दोस्तों का क्या होगा? अभी तो भिड़े सोढ़ी जेठालाल सब बाकी है, इनके साथ क्या होगा या मेरा क्या हाल होने वाला है ये तो तभी पता चलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.